जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी एक और खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। वही बात करते हैं, हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ हाई कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर याची पक्ष की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने याची पक्ष को कहा है कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दायर करें, तब मामले की आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने याची को पक्ष रखने का समय देते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर कहा है कि चुनाव कराने की तैयारी है, लिहाजा हाई कोर्ट ने इसके लिए इजाजत दे। हाई कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ता को अपना रखने का आदेश दिया है, लेकिन आज तक याची पक्ष की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने दायर याचिका में कहा है कि पहले साल 23 फरवरी को ही पंचायत का कार्यकाल खत्म हो चुका था। पंचायत राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्राविधान को हाई कोर्ट ने 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने ये चुनाव नहीं करवाने का हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था। अब हालात बेहतर हो चुके हैं, तो बावजूद इसके भी सरकार ने चुनाव को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें।